हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ साउथ इंडियन मेकअप लुक। 11 सितंबर को ओणम है तो उसके लिए मैंने साउथ इंडियन मेकअप लुक को क्रिएट किया है। इस लुक को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, आप इस लुक को अपने घर में इजिली क्रिएट कर सकते हैं। बस टेक्निक आपको पता होनी चाहिए और मेकअप लुक आपका तुरंत क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा आज का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसे लास्ट तक देखिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पहले मैं आईब्रो से स्टार्ट कर रही हूँ, अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी, देन उसके बाद नेक्स्ट मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पैरिस का जीनियस किट। अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है, नेक्स्ट मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। आई बेस के लिए मैं एले गर्ल प्रो का कंसीलर यूज कर रही हूँ और मेरा शेड है नेचुरल। फ्रेंड्स, कंसीलर को मैंने एज अ आई बेस अपने आई लिड पर अप्लाई कर लिया है। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर अप्लाई करने के बाद आप कंसीलर को सेट ज़रूर से करें, जिससे कि आई लिड पर हमारे क्रीज लाइन नहीं बनेगी और जो हमारा आई मेकअप है वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। मैंने कंसीलर को सेट कर लिया है मेबलिन कॉम्पैक्ट से। अब मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, और मेरा जो पैलेट है वो है रोज़ इन द ईयर। अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए पैलेट में से डार्क ऑरेंज शेड ले रही हूँ, दिस वन। इससे मैं अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करूँगी। ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अपने आई शेडो को ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कोई हार्श लाइन ना रहे। सेम पैलेट से मैं डार्क ब्रॉन्जी कलर को अप्लाई करूँगी अपने आई लिड पे। ये डार्क शिमर बेस पे है तो मैं इसे अपने आई लिड पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल, कलर एसेंस का ब्लैक काजल है ये। वेगा आई लैशेस कर्ल से मैं अपने आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी। अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड आईलाइनर। अप्लाई करूँगी आईलैशेस। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम पैलेट से ये लाइट शेड वाइट कलर को चूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए मैं सेम ब्राउन कलर को यूज़ कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैंने purple.com से परचेस किया है। इसका जो टेक्सचर है वो जेली फॉर्म में है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर में यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का। और मैं लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। एंड मेरा शेड है 3D 3W बेस डोर। ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने डैबिंग ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं एलेगल प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एक स्मॉल फ्लैट ब्रश से मैं कंसीलर को अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं हाइलाइटर को ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट, मेबलिन फ्रेश कॉम्पैक्ट। इससे मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी और मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से इसे सेट करूँगी। फेस को कंटोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की स्टिक और मेरा शेड है चेस्टनट। इसे मैंने purple.com से परचेस किया है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैंने कॉन्टोर को ब्लेंड कर लिया है। अप्लाई कर रही हूँ ब्लश और मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कलर शो और मेरा शेड है PG स्वीट। नेक्स्ट मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी और मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लॉसम ग्लो। फैन ब्रश की हेल्प से मैं हाईलाइटर को अपने हाईलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई करूंगी। मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक एंड जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की है मैट मी और मेरा शेड है फायर रेड। मेरा मेकअप हो गया है डन, तो मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। ये मेरे फेस पे शाइन ऐड करेगा, ग्लो ऐड करेगा और मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। ड्राई होने देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे डैब कर लूँगी बहुत हल्के हाथों से। सो फ्रेंड्स, मेरा मेकअप डन हो गया है, तो मैं अब आपसे मिलती हूँ विद ड्रेस विद ज्वेलरी। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। साउथ इंडियन मेकअप लुक ओणम फेस्टिवल के लिए इस लुक को क्रिएट करना बहुत सिंपल है, बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए और ये लुक आप अपने घर में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, मेरा ये मेकअप लुक आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपनी फैमिली में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी ओणम।